नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि किसी कोर्ट के PIO सह लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यदि आवेदन को लौटा दिया जाता है तो इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने लोक सूचना पदाधिकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व्यवहार न्यायालय उदाकिशुनगंज सिविल कोर्ट उदाकिशुनगंज को एक RTI लगाया था जिन्हें वापस कर दिया गया है, यह कहकर कि लोक सूचना पदाधिकारी उदाकिशुनगंज न्यायालय में नहीं है, अतः वापस किया। लेकिन कोई भी न्यायालय में ऐसा नहीं हो सकता हो कि वहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न हो। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ही लोक सूचना पदाधिकारी भी हुआ करते हैं। तो अब इस तरह के किसी भी आवेदन को लौटा दिया जाता है तो आप इसके खिलाफ़ सूचना आयोग से धारा 18(1) के तहत शिकायतवाद दायर कर सकते हैं या अपीलवाद दायर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि इस कंडीशन में हम लोग अपील किस प्रकार करेंगे। तो कोर्ट के लोक सूचना पदाधिकारी के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुआ करते हैं, इसलिए इन्हीं को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही प्रथम अपीलीय प्राधिकार नियुक्त किया जाता है। तो इन्हें ही मैं अपील करने जा रहा हूं, आप लोग भी इसे ठीक से समझ लें। जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो अब सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिस तरह इस प्रकार के हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र मिलता रहे, तथा एक लाइक अवश्य कर देंगे, उपयोगी लगेगा तो एक दूसरे को शेयर भी अवश्य करेंगे, तथा जिन्हें कुछ समझना हो या कुछ पूछना हो कमेंट कर पूछ सकते हैं या अपना विचार कमेंट कर अवश्य देंगे। तो चलिए हम लोग देख लें, यहाँ यह एक प्रथम अपीलीय का फॉर्म है। अगर जिन्हें यह फॉर्म हो तो इस प्रकार भरेंगे, जिन्हें फॉर्म उपलब्ध ना हो तो वो सादे कागज़ पर भी सेवा में अपीलीय प्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने जिले का नाम लिख देंगे, व्यवहार न्यायालय मधेपुरा या अपना अपना जिला संबंधित कोर्ट का नाम लिखेंगे। फिर जिस भी लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ हम लोग आवेदन करेंगे तो उसका यहाँ नाम देंगे तथा अपना नाम पूरा पता लिख देंगे। लोक सूचना पदाधिकारी का नाम, तो लोक सूचना पदाधिकारी का नाम यदि मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो लोक सूचना पदाधिकारी ही दे देंगे। व्यवहार न्यायालय जिस भी कोर्ट के माध्यम से या जिस भी कार्यालय के माध्यम से वापस किया गया हो, जिसके खिलाफ आपने प्रथम अपील दायर करना हो आपको, तो उसका पता दे देना है। यहाँ वापस कर दिया गया था इसलिए कोई निर्णय प्राप्त नहीं है, आवेदन वापस किया। प्रपत्र को जब आप लोग भरे होंगे उसका डेट देना है, सूचना का ब्यौरा, मैंने कांड संख्या इतना 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 से संबंधित अभिलेख पर की गई कार्रवाई का छायाप्रति की मांग किया था, तथा प्रत्येक कांड का आरोप पत्र की प्रमाणित छायाप्रति देने की कृपा की जाए की मांग किया था। इस प्रकार आप लोगों को जो भी सूचना चाहिए आप लोग इसमें प्रपत्र को में जो दिए होंगे उसी को भर देना है, तथा प्रपत्र को 30 दिन पूरे होने की तिथि, तो एक महीने का समय होता है, जैसे 18/5 को मैंने प्रपत्र को दिया तो 18/6 को 30 दिन पूरा होता है, इस प्रकार दे देंगे। उसके बाद लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह कहकर आवेदन वापस किया गया कि लोक सूचना पदाधिकारी उदाकिशुनगंज न्यायालय में नहीं है, तब वापस किया, तो यह हो गया कारण, अपील का कारण किस कारण से वापस किया। 8 में है प्रपत्र को लेने से इनकार कर वापस करने के कारण दोषी पर नियमानुसार कार्रवाई कर वांछित सूचना शीघ्र प्रदान करने की कृपा की जाए, इस तरह दे सकते हैं। अपील का आधार क्या है तो इसमें ये भर देंगे, या आपको जो कंडीशन हो उस आधार से भरेंगे। अपील दायर करने की अंतिम तिथि जो भी 30 दिन के बाद हो, तो 30 दिन के बाद फिर अपील की तिथि होती, तो 18/7/2022 मैंने 60 दिन प्रपत्र को
जब भरेंगे उसके 60 दिन तक आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। प्रार्थना एवं राहत में दे देंगे, वांछित सूचना प्रदान कर दोषी पर कार्रवाई की जाए तथा प्रपत्र को आपकी स्वाभिप्रमाणित क्षति शुल्क की प्रति तथा डाक की स्वाभिप्रमाणित जो प्रपत्र को भरने में आप लोग भेजे होंगे अपना हस्ताक्षर दे देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, अपना पूरा पता दे देंगे, यहाँ अपने जिला या स्थान का नाम देंगे, अपना डेट दे देंगे। इस प्रकार कर यदि किसी भी कार्यालय या किसी भी कोर्ट के माध्यम से यदि आवेदन वापस किया जाता हो तो प्रथम अपील अवश्य कर दें। अगर आपको शिकायत करना हो तो सूचना आयोग में धारा 18(1) के तहत सीधे शिकायतवाद भी दायर कर सकते हैं। जय हिंद।